भारत माता की, भारत माता की। गो ब्राह्मण प्रतिपालक, हिन्दवी स्वराज्य संस्थापक, क्षत्रिय कुलावंत, सिंहासनाधीश्वर, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनांशी आधारू, अखंड स्थिति निर्धारू, यशवंत, कीर्तिवंत, सामर्थ्यवंत, पुण्यवंत, नीतिवंत, वरदवंत, हिंदुस्तान से आराध्य दैवत, श्रीमंत योगी, जाणता राजा, महाराजाधिराज, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की, शिवाजी महाराज की जय, जय 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 शिवाजी। नमस्कार, भाजपा से आमदार श्रीमान संजय जी केळकर साहेब यांचा आगमन झालेला आहे। टाळ्यांचा गजरात आपण त्यांचं स्वागत करायचं आहे। मित्रांनो, भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, दीनदलितांचे कैवारी, माणसाला माणूस म्हणून जगायला शिकवणारे, गुलामगिरीच्या वेख्यातून मुक्त होऊन स्वाभिमानाने जगायला शिकवणारे भारतरत्न डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर यांना अभिवादन करतो। हिंदू हृदय सम्राट श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे, तसेच त्यांचे ठाण्यावाक व ठाणेकरांचे साहेब धर्मवीर आनंद दिघे यांनाही मी मानाचा मुद्रा करतो। मित्रांनो, तसं पाहिलं तर मी महाराष्ट्रीय आहे, मराठी आहे, परंतु परमेश्वराने चेहरा असा दिलेला आहे, ज्यांचं जगात सन्मानाने नाव घेतलं जातं, मान सन्मान दिला जातो, अशा महान व्यक्तीचा आज चेहरा मला लाभलेला आहे, हे माझं भाग्य आहे। आणि आज फक्त इलेक्शनसाठीच मी काम करतो असं नाही आहे, अनेक चित्रपटात काम करतोय, वेब सिरीज करतोय, रियालिटी शो करतोय, अनेक इव्हेंट्स करतोय, देश विदेशातही जाऊन मी मोदीजींचे विचार जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय। आणि लोकांची अपेक्षा असतात की माझं भाषण हिंदीत व्हावं, तर माझा प्रयत्न तो राहील, कदाचित तुम्हाला थोडीशी झलक दिसेल प्रधानमंत्रीची, आणि माझी ही अपेक्षा आहे। मंच पर उपस्थित सभी महानुभव और मेरे प्यारे भारतीय भाई और बहनों, लोकसभा का चुनाव जो है उसका बिगुल बज चुका है। मित्रों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का उत्सव प्रारंभ हो चुका है। इस वक्त का जो भी इलेक्शन जो है वो विकसित भारत के लिए होगा। मित्रों, विकसित भारत के लिए होगा। आज जब भारत प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी का सिद्धांत, उनका आशीर्वाद, उनका संकल्प भारत भूमि को प्रेरणा देता रहेगा। मित्रों, प्रेरणा देता रहेगा। भारत ने पिछले 10 वर्षों में जो गति हासिल की है, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का जो हौसला पाया है वो अभूतपूर्व है। ये मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं, दुनिया गाजे बाजे के साथ बोल रही है। भारत ने हर क्षेत्र में जो गति हासिल की है, हर उस व्यक्ति को जो एक संकल्प के साथ जोड़ा है, और वो संकल्प है विकसित भारत का। भारत ना छोटे सपने देख सकता है, ना छोटे संकल्प ले सकता है। सपने भी विराट होंगे, संकल्प भी विराट होंगे, और ये मोदी जी का सपना भी है और संकल्प भी है, देश को विकसित भारत बनाना है। और इसलिए साथियों,
अगले 5 वर्षों की बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। अगले 5 वर्षों में हमें तेजी से काम करना है। अगले 5 वर्ष विकसित भारत के लिए एक लंबी छलांग लगानी है। लेकिन भाई और बहन, इसके लिए एक शर्त है, सरकार में एनडीए की जोरदार वापसी। एनडीए को 400 पार कराने के लिए बीजेपी को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा, करना ही होगा। और यह हम सबको मिलकर करना है, अपने लिए, अपनों के लिए और विकसित भारत के लिए भी। तो मोदी जी के लिए मैं कहना चाहूंगा, मोहब्बत है मोदी तेरे नाम से, दीवाने हो गए हैं मोदी तेरे नाम से, मोदी तेरे काम से। वोट क्या चीज है, जान भी दे देंगे मोदी तेरे लिए शान से। जलने वाले जलते रहेंगे पर ये जलजला नहीं रुकने देंगे। तू देश नहीं झुकने देना, हम तुझे नहीं झुकने देंगे, हम तुझे नहीं झुकने देंगे। मोदी जींचा कार्य कमाल है, आपण त्याची कल्पना करू शकत नाही आहे मित्रांनो। मोदीजींवर माझ्याकडे अनेक कविता आहेत, आज मैं देख रहा हूं कहीं लाभार्थियों को कितना लाभ मिला है। नल को जल है, किसी को शौचालय मिला है, किसी को घर मिला है, किसी को राशन फ्री मिला है, बहुत कुछ मिला है। अगर वो कविता में मैं कहना चाहूंगा, जिन्हें लाभ मिला है उनका कहना ऐसा है, हर समस्या का समाधान निकालते हो, मुर्दे में भी जान डालते हो, आप तो वो भगवान हो जो बिना तपस्या के वरदान देते हो। मानता हूं खुदा को, उसने मुझे ये दुनिया दी है पर आपने मुझे जीने के लिए खुशियां दी है। डूब ही जाती मेरी नाव अगर आपका किनारा ना मिलता, कुछ कर जाता आखिर मर जाता अगर आपका सहारा ना मिलता। जीने के लिए पहचान और होठों पे मुस्कान देते हो, आप तो वो भगवान हो जो बिना तपस्या के वरदान देते हो। मंजिल थी दूर इतनी जितने चांद सितारे, मंजिल थी दूर इतनी जितने चांद सितारे, आपके चमत्कार से आगे कदमों में मेरे मेरी जब मैं हार ही जाता और मैदान छोड़ ही देता, जितने का आपका मुझे हौसला ना होता। करके मुश्किल आसान हर खिलाड़ी को अर्जुन बना देते हो, आप तो भगवान हो जो बिना तपस्या के वरदान देते हो, जो बिना तपस्या के वरदान देते हो।